आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग बात करते हैं पालनहारे उस परमपिता परमात्मा की, कि हम लोग एक बात मैं बताता हूं कि आपको ये शायरी कहीं भी किसी भी मंच पर शुरुआत में आप ये परमात्मा की शायरी बोल सकते हैं, सत्संग में बोल सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बोल सकते हैं। ये शायरी बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करेगी और आप बोल सकते हैं कि जर्रे जर्रे में उसका नूर है, तू देख ले खुद में वह ना तुझसे दूर है। जर्रे जर्रे में उसका नूर है, तू देख ले खुद में वह ना तुझसे दूर है। यदि इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। तो वास्तव में सच्चाई है दोस्तों कि उसकी इबादत का यही दस्तूर है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, मैं जो आपको बात बता रहा हूं ये बात इसी तरह से आप मंच पर धार्मिक कार्यक्रम में बोल सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम में, कि लोग कहते हैं कि मैं खुदा को मानता हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं, मैं इस देव को मानता हूं, लेकिन एक बात बताई जाती है कि कहते हैं कि मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं। वही व्यक्ति का प्यार, खुदा के प्रति प्रेम सार्थक है, सच्चा है, जो एक इंसान के साथ प्यार कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इंसान के साथ प्यार करें। इबादत रब की और सूरत यार की हो, सजदा रब का और रस्म प्यार की हो। इबादत रब की और सूरत यार की हो, सजदा रब का और रस्म प्यार की हो। आशिकों के मजहब का क्या कहना, जिक्र रब का बात यार की हो। तो सच्चा यार परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन उसे यार बनाने के लिए हमें समर्पण करना पड़ता है, हमें श्रद्धा लानी पड़ती है अंदर, तभी वो भक्ति मिलती है, वो शक्ति मिलती है। इसलिए हम लोग कहते ना, इंसान को इंसान के साथ हमेशा प्यार करना चाहिए। कि मेरी महफिल में अभी नज़म की इरशाद बाकी है, मेरी महफिल में अभी नज़म की इरशाद बाकी है, कोई थोड़ा ही भीगा है, अभी पूरी बरसात बाकी है। तो अभी तो पूरी बरसात बाकी है। आप जैसे आप ऐसे भक्ति कार्यक्रम में है तो बोल सकते हैं कि अभी बैठे रहिए और हम लोग आज इस भक्ति में कार्यक्रम में डूब जाएं। आज हम लोग परवरदिगार उसकी परमात्मा परमपिता परमात्मा उस ईश्वर की स्नेह अनुभूति के साथ हमेशा उसकी शरण में रहकर और इस धरती पर प्रेम के फूल खिलाएं। खोटा सिक्का हूं दरबार में पड़ा रहने दो, मैं दीवाना हूं मुझे जिद पर अड़ा रहने दो। खोटा सिक्का हूं दरबार में पड़ा रहने दो, मैं दीवाना हूं मुझे जिद पर अड़ा रहने दो। पांव में बेड़ियां हाथ में कड़ा रहने दो, मुझे मेरे साईं की अदालत में खड़ा रहने दो। तो यही वो साईं एहसास है। आप इस तरह से बोलिए, परमात्मा गुरु एक एहसास है और ये एहसास उसी के सच्चे हैं जिसके अंदर श्रद्धा है, समर्पण है। शब्दों से कभी परमात्मा नहीं मिलता दोस्तों। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि हम लोग उसकी भक्ति में और अपने कर्म में विश्वास रखें। कहते कि कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर में आस्था, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर में आस्था, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो जरूर निकलेगा रास्ता। आज लॉकडाउन का दौर है, आज एक ऐसी महामारी ने हमें घेर रखा है, जरूर रास्ता निकलेगा, लेकिन हम लोग ईश्वर में आस्था रखें और हम हमेशा उसका थैंक्स करें, परमात्मा का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें ये पावन, ये सुंदर शरीर दिया, इस धरती पर जन्म दिया। कि न वो फरिश्ता हो न वो फरिश्ते जैसा हो, न वो फरिश्ता न हो न फरिश्ते जैसा हो, मुझे तलाश है उसकी जो मेरे जैसा हो। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद। स्वामी जी चैनल पर आप बने रहिए और आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप सीख सकते हैं ऑफलाइन या ऑफलाइन मोटिवेशनल स्पीकिंग। राजनीतिक वक्ता बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, मन संचालन सीखना चाहते हैं, बेखूबी सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका